पे ना ला रहे हो 500 वो नवले आप क्यों वो 75 रुपए अरे आय 40 गुना तो अनक अनक नारा जैसे बीज पेलाने नारा कौन जैसे ना फिर हमने तो नारा साथ दिया वो 75 रुपए अरे 40 है कौन ठीक रहे ना नारा आदमी हस मुखादमी से जी कलर पकड़ लो हाथ पकड़ लो कुछ की मना ऐसे की बात करो बाबा पकड़ मतलब मिलन ही आदमी से मिलन वाल से बाबा पकड़ जो भी राजी रखो धन में तो साहब शब्द में मिला कोने लोग बदू बदू आओ बदू अच्छा आज ना लगाम बीजेपी कह रही है 400 पार कर देंगे ना जी 400 200 ना ही पूरे हिंदुस्तान में 200 ही ना अरे राम ताई गुन्ना आज भी ना आने वाले चुनाव में किसके सर पे सजेगा सांसद का जो ताज है वो कौन होगा आने वाले समय में महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद या किस लोकसभा चुनाव 2024 जिसका अभी नामांकन चल रहा है लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दर्ज करवा रहे हैं और गांवों में सबका कार्यक्रम चल रहा है। अभी अटेली विधानसभा और अगर बात करें लोकसभा महेंद्रगढ़ भिवानी के एक बड़े गांव दोंगड़ा आहिर में है जो शायद तहसील भी बनने वाला था या बनने वाला है ऐसी बातें भी चली थी और यहाँ एक स्वागत समारोह कहें या एक छोटी सी रैली कहें या चाय पानी का प्रोग्राम कहें एक नेता का कार्यक्रम है। एक बार चारों तरफ दिखा दें अभी शायद करीब एक घंटा है नेताजी के पहुंचने में उससे पहले जो उनके समर्थक हैं उनके शुभ चिंतक हैं उनके वोटर हैं जो उनको जिताना चाहते हैं वो सभी लगभग यहाँ पहुंचे हैं और अभी समय काफी है अभी लोग बहुत से यहाँ आएंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं तस्वीर में यहाँ पे रावदान सिंह जो महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक कर रहे हैं हालिया विधायक भी अभी थे और वो अभी कांग्रेस से टिकट लेके आए हैं। बड़ी भारी समस्या चल रही थी कांग्रेस में कि टिकट किसको मिलेगी। एक तरफ बंसीलाल परिवार दूसरी तरफ विधायक को टिकट दी वहां भी कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही थी। अब कौन वोट काटेगा या क्या कुछ होगा वो भी एक दूसरी तरफ चल रहा है लेकिन अभी दोंगड़ा गांव में है और आप एक बार देखेंगे ना चारों तरफ से एक पूरा माहौल बना हुआ है कि हाँ भाई चुनाव है और यहाँ नेता पहुंचने वाला है क्यों बड़ा गांव है और आने वाले समय में विकास की उम्मीद भी करता है अगर लोकल यहाँ का व्यक्ति अगर सांसद बन पाता है तो। दूसरी तरफ सांसद अभी जो थे बीजेपी की तरफ से धर्मवीर जी लोगों में मैं यहाँ घूम के फिर के मैंने बातचीत भी की है वो गांव में कभी आए नहीं किसी स्पेशल प्रोग्राम में आए गांव वालों से जो अगर बात करें ग्राउंड लेवल पे लोगों से उनका जुड़ाव बहुत ही कम बताया जा रहा है। गांव से कुछ लोगों से अभी बातचीत भी करेंगे क्या कुछ गांव का माहौल है और आने वाले चुनाव में किसके सर पे सजेगा सांसद का जो ताज है वो कौन होगा आने वाले समय में महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद या किस पार्टी का रहेगा। जैसे 400 पार का नारा भी चल रहा है लेकिन होगा क्या वो बताएगा वोटर वो बताएगी मशीन भाई किसने कितने वोट डाले। तो यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। बाबा राम 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 बाबा ठीक सो तो अभी सरपंच हो आप एक्स सरपंच तो आपको तो ज्ञान होगा राजनीति का पूरा ही। हाँ जी तो क्या कहोगे क्या बताओगे गाँव की राजनीति के बारे में। गांव की राजनीति यह है जी यहाँ पर 80% कांग्रेस की वोट है कांग्रेस की। उसका कोई खास कारण खास कारण ये है दोंगड़ा एयर पहले महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में था जी इसका लगाव रावदान सिंह से पहले से ही है पहले भी वोट दिए हैं। हाँ पहले वोट दिए हैं और अब भी देंगे। हाँ निकाल लो। अच्छा तो पहले आप दान सिंह को वोट दे चुके हैं तो कैसा उस समय का कार्यकाल रहा था। बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा उसका। अच्छा अभी जो सांसद को वोट दिए थे पिछली बार धर्मवीर जी को तो उन्होंने क्या कुछ करवाया गांव उन गांव को गलियां पक्की करवा दी सारी। अच्छा अच्छा सड़क भी बनवाई है। लोग ये कह रहे थे कुछ गांव वाले की भाई वो आया नहीं मिलने। आया कभी 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 आया फिर भी झुकाव कांग्रेस की तरफ है भाई लगाव है ज्यादा मतलब दान सिंह से ग्राउंड लेवल पर लगाव है ज्यादा लगाव है इसलिए 80% अब और सुनो जी भाई बयाने के 3 बार एमपी बन लिए जी तो महेंद्रगढ़ का नंबर क्यों नहीं आवा है। अच्छा मतलब जब से ये विधानसभा बनी है लोकसभा बनी है महेंद्रगढ़ भिवानी तब से भिवानी का ही सांसद रहा 3 सांसद भाई 3 बार टिकट भी पहली बार शायद मिली है यहाँ पहली बार टाइम टिकट मिली है तो इसको जिताएंगे हम तो खेच के तो अपने गांव से दान सिंह निकल जाएगा घना निकलेगा सारे इलाके से निकलेगा वो तो। और जी राम 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 ठीक सो अपना गांव यही है दोंगड़ाहिर से जी। अच्छा क्या चल रहा है राजनीति में दान सिंह वोट से जी दान सिंह धर्म भी तो कुछ सद में बीच में रहेगा आम पब्लिक जुड़े कोई ना कुछ सिलेक्टेड लोगों के बीच बचाले उनके दिन घूमो करो आम आदमी काम ना करे काम भी नहीं ना जी मतलब 5-10 आदमी उनके चक्कर में फंस बोकरी बस। तो
विधायक जो वोट पूरा गांव दे मान पांच सदमे का मतलब मानते हैं जो मेन आदमी उनके पास उन्हीं की मानते हैं भैया लाम पब्लिक ना मान मतलब लोगों के भी जुड़ाव कम रहा जुड़ाव कम फिर बीजेपी कह रही है 400 पार कर देंगे ना जी 400 पार 200 ना ही पूरे हिंदुस्तान में 200 ना हरियाणा में ताई गुन्ना आज भी ना अच्छा जी तो फिर हरियाणा में फिर कांग्रेस बन जाएगी क्योंकि वो तो मुकद्दर की बात है हरिवाल में तो वोट दान सिंह ज्यादा है हरिवाल में तो फिर ये राजनीति अगर बात करें दूसरी तरफ की कहीं जाति की राजनीति नहीं जहाँ डरा परिवार देखो जात तो सब करी मार दे एरिया में टिकट मिली हम क्यों ना करें अपने एरिया की तारीफ आप बताओ मतलब अपने एरिया में पहली बार टिकट मिली बस ये बात भी सही है क्यों ना करा कुछ और कोई नई बात नई बात कैसे गांव दान सिंह कर दिए पुराना गांव रहे से एक तरफ गांव नहीं चार बार विधायक रहे हां जी ठीक रहे नरम आदमी हसमुख आदमी से जे कलर पकड़ लो हाथ पकड़ लो कुछ की मना है ऐसी बात करो बाबा पकड़ बाबा पकड़ मतलब मिलनियो आदमी से मिलन वाल से बाबा पकड़ जो भी राजी रखो धन में तो वहां औषधि में मिला कोने लोग बदो बदो आओ बदो अच्छा आज ना लगाम आप कभी मिले उनसे कहीं भी मिले हमारे बाबू जी वो तो दिल्ली गए थे ना करे बात ही ना करे बात ही ना करे जी वो तो बस अपना एक दो चार आदमी पकड़ रखा जी बस दिल्ली गए थे हमारे बाबू जी सब साथ तुम बोलो अकड़ वाली बात रहेगी हां गोद भी ले रहा उसके काम करे उसे कुछ करे ना उन्होंने को हरी में बीमारी वैसे भी ना हो कोई काम भी के करे वैसे वरदान सिंह तो कई काम करे उड़ा सी पहले मिले रहे हमारे कई लगाए उड़ा भी सिर खूब काम करे रात रात ने फोन कर दिया सब भी काम करे जुड़ाव में रहे हैं रहे जी भारत नौकरी भी लगाए जी बिना वह सिर बिना पैसा अच्छा जी हाँ जी अपने टाइम पे नौकरी लगाए जो मारे भाई लगाए उड़ो से कोई दिक्कत ही करना बिना पैसा और बिना सब की भी आधी रात ने फोन मार दे वैसे काम किए हैं इसका काम किया है जी हमारे कानपुर से कहीं ना कहीं अड़की रही है हाँ जी और अमराम ठीक सो गाँव नौड़ाई अच्छा तो आज क्या प्रोग्राम से हो आज अपने दाना को अच्छा कौन सा चुनाव लड़ रहे हो यो अपने केबल लहनी सांसद आलो और पहली बार लड़े हैं सर पहली बार क्या जी के रखो पहली बार में पूरी बीजेपी पूरे बीजेपी सारी फुल फ्लेज के कारण से बीजेपी 400 पार कर रही है थमो ना बीजेपी 500 वो ना बोले आपकी वो 75 पाए अरे आई 40 हो गया तो अनु अंदर कौन नारा जैसे बीज पिलाने नारा कौन जैसे ना फिर हमने तो नारा साथ दिया वो 75 पार जी बाबा राम राम ठीक सो ठीक तो के चल रहे हो काम धंधो है सुनावा को सुनावा को बात यह है राव दान सिंह महेंद्र जिला में काम करे अच्छा जबरदस्त करे ही काम लोग ने कहे सान जो विधायक रहे 13,000 बालक तो फैक्ट्री में लगा रखे 13,000 रिकॉर्ड है कोई नेता नहीं जिसने 13,000 फैक्ट्री में लगाए 13,000 परिवार रोजगार दे रोजगार दिए आम आदमी गयो कलर पकड़ लियो है शेष के डोल बोकरो धर्मवीर कन जाओ भाई मन ने वोट ना जैसे मोदी ने दिया मोदी कन जाओ बिल्कुल ये उनकी खास शक्ति भाई मन ने वोट नहीं दिया और मैं मांगू भी कोई ना मोदी ने दोगा तो दे दियो दे दियो सही बात अरे हाँ नेता की तो महेंद्रगढ़ में कोई वोट ना करे तगड़ा नेता तगड़ो नेता अगर मुकाबला में कौन मतलब तगड़ो काम चल रहे है राव दान सिंह आप फोटो देख लो इधर अगर देख पा रहे हैं तो तगड़ा क्रेज है और अभी काफी समय है पिछले गांव में आना है उससे पिछले गांव में है उससे पहले उनके जो समर्थक है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और राम राम ठीक सो हाँ क्या को प्रोग्राम से हो रावदान सिंह को रावदान सिंह को हाँ जी अच्छा सांसद को चुनाव लड़ रहे हैं हाँ सांसद को लड़ रहे हैं क्या ढंग रहे गुहर जीतते को कितना वोट ना जीतते 3-4 लाख से जीतते कम से कम तो वो न्यू कह रहे हैं धर्मवीर पिछली बार 4-44 से जीते तो बताओ 4.5 के लगभग इनके न्यू कह 5 ना रिकॉर्ड तोड़ को दान सिंह अच्छा रामविलास कोई तोड़ दियो तो अच्छा जी तो लगभग कितना वोट लिया जाएगा और बता रहा कम से कम 4 लाख से 4 लाख से हाँ बादर भी कह रहे हो मैं 4,20,000 बादर बुद्धर का ना है नहीं है ना एक तरफा से गांव एक तरफा और कोई यहाँ को कारण खास कारण बता कारण ये हो सकता महेंद्रगढ़ थोक गांव जी ये शहर बना दियो दान सिंह स्टेडियम करो वो यो पार्क करो कोर्ट करी जी वो यूनिवर्सिटी बनाई अरे वो खेल सटे वो करो स्टेडियम बीजेपी सारा से चल रही है किमी करे नदी के बाद फिर बीजेपी तो रामविलास के 15 महकमा था जब वो कटा भी मंदरगढ़ का मिट्टी आई तो देख लियो आप भी तैयार से कटा तो देख लियो तो आप जोगड़ा की देख लियो
अपना गांव वाली गली आज बाजू हमारे गांव की देख लियो ना, गलियों का कितना बुरा हाल है। सांसद ने दौड़ा तो कुछ नहीं किया, गांव गोद ले रखा था। ये देखो आप ग्राउंड में देखो इतना बुरा हाल है, कैमरामैन दिखाएं इन गलियों का कितना बुरा हाल है। गांव का कुछ नहीं किया उन्होंने। आयो सांसद मिलने, सांसद कहीं नहीं आया, जरूरत ही नहीं है उसको, आया ही नहीं। वो तो कहता है मोदी को वोट देते हो, मेरे को देते नहीं, इसलिए वो आया ही नहीं। उसको जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है उसको वोटों की, जरूरत नहीं। गड़बड़ कर जाएगी वो तो, होगा। लोगों में गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है ना, इसलिए अपना काम यही है। तो उस समय हुआ था विकास, हाँ, तो हुड्डा का प्रोग्राम था हमारे गाँव में, काफी पैसा दिया था उन्होंने गाँव के लिए, और उसी टाइम का काम है जो भी है। मतलब इस धर्मवीर ने कुछ भी काम नहीं किया, मतलब गोद लेना को तो समझ लो घोषणा थी, कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ घोषणा कर दिया भाई, कोई काम नहीं किया। और दान सिंह का तो वैसे भी हमारा विधायक भी था पहले, वो 2009 से पहले, तो इसलिए काफी प्रभाव से वैसे भी जुड़ा हुआ है लोगों से। हाँ, बात ये बता रहे, दान सिंह से बहुत जुड़ा हुआ। जी बाबूजी, नाम राम। हाँ राम, ठीक सो? ठीक जी, बिल्कुल तैयारी में हो? बाट बैठा, ये बाट में बैठा दो। हाँ बिल्कुल तैयारी में सांझी, और दान सिंह की अच्छी जीत करानी से। अच्छा जी, क्योंकि यही एक मारो नेता है सोचो, जो हमारा इलाका की लगा लो, दक्षिणी हरियाणा की लगा लो, जो दुख तकलीफ में हर हिसाब से हमारे साथ रह से नहीं, और तो सिर्फ अपनो बने बनाए और भाई जो से ऐसे ही 400 पार को के ढंग रहेगा 400 पार के। ये तो उनका अपना खुद का भाई डायलॉग से, या कह लो अब उनका अपना ही हो से, या कोई पब्लिक की रुझान थोड़ी। धर्मवीर ने गहमत मत दियो वोट सीधा मोदी, धर्मवीर तो घमंडा रहे हो से सिर्फ वैसे मोदी मोदी पे, नहीं तो उनको व्यवहार तो जीरो है जी, उनका व्यवहार में कोई ऐसी तालमेल वाली बात ना, कोई ऐसी बात को ना, जो वोट खातिर दिया खास बात निकल गई है, लोगों से जुड़ाव नहीं। हाँ लोगों से कोई जुड़ाव को ना, बस अपना ही घमंड में से भाई मेरे कोई भी कुछ है। बीजेपी, आप ये बताएं, बीजेपी ये कहती है कि आप दान सिंह को वोट दे दोगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार तो नहीं बननी, वो ये कह रहे हैं। इब जब सरकार बनो ना बनो, बनिया सिक्के हासिल है रो बनिया सिक्के में हासिल नहीं है रो, तो हम अपनो तो नेता तो ला। हाँ बिल्कुल, भी अगर सरकार नहीं बननी लेकिन बन रही है, उसमें क्या हो रहा है ऐसा कहना है डोंगड़ा गांव के लोगों का। तो पिछले लंबे समय से यहाँ विकास नहीं हुआ, अब काफी समय से यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, देख सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति जिन्होंने पहले भी राव दान सिंह को वोट विधानसभा में दिया था, आज वो लोकसभा में भी तैयार है वोट देने के लिए। तो राम राम, ठीक सो? बिल्कुल, बाद में बैठे दो ना, कई बार हो गया। कौन सा होगा यो आंसी यार बेल है या इस चीज में चश्मे की गयो, जो यही पूछा कौन दान सिंह को, हमने नहीं मालूम दान सिंह आओगे। हाँ हाँ, फिर लड़ाई को जिताओगा फिर से? लड़ाई को तो आओ ही जाके रे जिताओगा फिर? हाँ जिता, और मारना काम। कितना वोट मिलेगी हमारा? वोट घना ही मिल जाएगा, वोट घना ही से पुराणों नेता से मिल जाएंगे, पुराणों नेता से। हाँ लेकिन तो बताओ पुराणों के लिए, पुराणों से धर्मवीर अपना टाइम निकाल दिया, वो आओ को जो जाएगा तो जाएगा, तो हमारा गांव फिर बोल रहे हैं दे रखो गांव डोंगड़ा धर्मवीर ने, तो ये भी बोर के बने को जब हट जाएगा, हट जाएगा और क्या करेगा फिर? वो ही आओ को ड्राइव दान सिंह आ रहे हो आज, हां धर्मवीर आ जाए तो उन्हें के होगा? आओगा तो आओ को तो स्वागत तो सबको करना पड़ेगा, कुछ पत्थर थोड़ी मारे जाए। अच्छा बाकी वे उनके कर्म किस्मत पर वो बसे, वो की नहीं थोड़ा सोवे को तो यो भी ही वोट लेबो। अच्छा मतलब आदर नींद में दो धर्मवीर, उसको मालूम नहीं है कि आदर्श गांव है, मुंह कोई बनाए तो गांव नींद खोल दे यहां, हां गांव तो खोल देगो तो काम करेगा तो खोल देगा। वाह, काम जो है ना करनो, काम करो और वोट लो। हां इतने जो बच्चे डोल हैं इनको रोजगार दो और वोट दुनिया के लिए दूसरी और एक पैड के और कहीं दे दे। तो देख सकते हैं ये गांव वालों के विचार है जी, ठीक रहेगा। तो अभी हम डोंगड़ा गांव में हैं, आदर्श गांव है, बड़ा गांव है अटेली विधानसभा का,
और यहाँ बताया जा रहा है विकास जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सीएम होते थे तब ये गलियां पक्की हुई थी, उसके बाद से विकास कार्य नहीं हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जो जुड़ाव है लोगों का वो धर्मवीर ने बनाया नहीं और दान सिंह से इनका मतलब आपसी तालमेल मेल झोल काफी लंबे समय से है। तो इसका क्या असर रहेगा चुनाव पे, इलेक्शन पे, वोटों पे? अभी यहाँ राव दान सिंह जी पहुंचने वाले हैं, पहुंचने के बाद कैसा कार्यक्रम रहता है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो को लेके आपका क्या ख्याल है, वोटों को लेके आपकी क्या राजनीति है, क्या सोचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इस प्रकार के अपडेट्स के लिए बने रहें। अभी पूरी कवरेज दिखाएंगे इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में। देखते रहें इंडियन न्यूज 16। नमस्कार, धन्यवाद।